वाइट वाइट तो आता नहीं था पहले कभी। चला दे आज, नहीं तो तू तेरा मर्डर हो जाएगा। नहीं तो हम इसी रास्ते से जाएं। नहीं जाने इस रास्ते से। मम्मी सही करा दूंगा, मम्मी गुस्सा मत करो। मिट्ठू हाय बोल दे, हाय बोल दे। तो गाइस सीन ये है कि हमारे मिट्ठू को हो गई है थोड़ी छोटी सी बीमारी, जो कि एलर्जी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी है डॉग्स में। एंड ये जनरली तब आती है जब कोई भी लाइक पुराना खाना, लाइक बासा खाना जिसमें फंगल ऑलमोस्ट हो चुका या हो गया है, वो वाला खाना डॉग्स को दे दिया जाता है। अब हमारे पीछे वैसे तो रोहन ध्यान रखता है, और या फिर हमारे घर में से कोई ना कोई ख्याल रख ही लेता है, या फिर हमारे है सर्कल में। लेकिन वही है कि कभी कुछ लोग दे जाते हैं खाना, एंड उस चक्कर में इन बेचारों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और वो देखो प्रॉब्लम हो गई है बेचारी को। अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं इसको वेट, होपफुली मिल जाए 24/7 और अच्छा वेट मिल जाए। हमारे मिट्ठू विल बी फाइन। मिट्ठू इज अ स्ट्रांग बच्ची। मिट्ठू इज गेटिंग ट्रीटेड। मिट्ठू ई मिट्ठू, ये देखो क्या 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 हो गया बेचारी के। मिट्ठू मिट्ठू कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। मिट्ठू को इंजेक्शन लग रहे हैं। मिट्ठू खुश, मिट्ठू खुश। सो ये था हमारा वेट। होपफुली मिट्ठू हमारी इस वेट से सही हो जाए, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इन ग्रेटर नोएडा, नोएडा एरिया। यहाँ पर पूरा मिट्ठू ने स्लाइवा कर दिया था, मैंने उसको साफ कर दिया है। एंड ऑल्सो वेरी नाइस ऑफ दैट वेट की उन्होंने स्ट्रीट डॉग सुनते डिस्काउंट कर दिया मेडिसिन पे। नाइस। द नेक्स्ट डे ये काम करने वाली लड़की गोवा से आके लग गई। काम थोड़ा छूटता है। बात तो सही है, काम थोड़ा छूटता है। गाइस कैसा लग रहा है मेरा फेस? टैन हो चुकी है। इसका नहीं हुआ यार, मेरा हो गया टैन। हाँ तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी। वैसे गाइस मैंने अभी एक रील बना के डाली है इंस्टा पे, तो आप डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम मेकिंग सम न्यू शॉर्ट्स काइंड ऑफ रील। कुछ फनी तो कुछ हो जाता है, तो डू फॉलो, यहाँ पर आ रही होगी। टैन से मुझे याद आया, मैं हो गया, गौरव हो गया, इशू नहीं हुई और शिल्पा नहीं हुई। पता नहीं लड़कियों में कुछ अलग ही स्किन होती है। नहीं तुम्हारी चमड़ी मोटी होती है ना, गैंडी कहेंगी। वेल टैनिंग का तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद हट जाएगा। बीच साइड जा रहे हो और ये ना लेकर आओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? एंड गाइस आजकल तो एक्ने एंड पिंपल्स के भी काफी इश्यूज चल रहे हैं, तो अपन कुछ स्टेप्स फॉलो करके इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लाइक जंक फूड ना खाना, खूब सारा पानी पीना, और रात में सोने से पहले फेस वॉश करके सोना। तो उसके लिए आई एम यूजिंग वाव स्किन साइंस की एंटी एक्ने रेंज, जिसमें फेस वॉश, जिसमें टी ट्री एसेंशियल, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, मलबरी, लिकोराइज एंड विटामिन B5 हेल्प करता है आपके फेस से अच्छे से डर्ट, पॉल्यूटेंट, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को क्लियर करने में। एक्ने से हुई इचिंग को रिड्यूस करता है एंड सूथ करता है रेडनेस को, कंटेनिंग 97.4% नेचुरल इंग्रेडिएंट। फिर ये एंटी एक्ने नीम ट्री क्ले फेस मास्क हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में, रिमूविंग डीप सीटेड इंप्योरिटीज एंड डेड स्किन, एंड सुटेबल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। इंग्रेडिएंट्स है लाइक नीम एक्सट्रैक्ट, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, व्हाइट क्ले, जोजोबा ऑयल एंड शिया बटर। ये हेल्प करता है सीबम को कंट्रोल करने में एंड हेल्प करता है इचिंग को रिड्यूस करने में। फिर आता है वाओ का एंटी एक्ने फेस सीरम, हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में और रिड्यूस करता है एक्ने एंड ब्रेकआउट्स। ये आपकी कोलाजन स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करता है और स्किन को सॉफ्ट एंड सपल टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ये फेस सीरम डिलीवर करता है बेनिफिट्स ऑफ नीम लीफ, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्प करता है स्किन प्यूरिफाई करने में, एंड कैवियर लाइम फ्रूट एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है एक्सफोलिएट करने में और स्किन को ब्राइटन करने में। बस फ्यू ड्रॉप्स अपने पाम में लेकर फिंगर से स्पॉट्स पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे सीरम स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। वाव स्किन साइंस की प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स नहीं है, लाइक सल्फेट्स, पैराबिन, सिलिकॉन एंड एडेड कलर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। और अभी तो सेल भी चल रही है, बाय वन गेट वन, जाओ अवेल करो, कूपन कोड है वाव, उनकी वेबसाइट पर यहां पर आ रहा होगा। हमर जादी तू हमर जादी जोर से मारा, बहुत जोर से मारा है। हाँ, वो भी शोल्डर की हड्डी पे। अच्छी बात, ज्यादा उसमें ज्यादा होती है। अच्छा चलो एक बार और मारो। मैं मारू, कैमरे में ना सब दिख रहा होगा, गार्ड बोल रहा होगा, पता नहीं है साले बेचारी। BMW का ये हाल है यार, BMW का ये हाल है यार, देख रहे हो तुम? अबे धो ले। ए लड़की चल मेरे साथ मेरी गाड़ी में, चल ले चल। अबे तू तो सच्ची में चल रही है, मतलब पट्टी पटाई है ना, पट्टी पटाई है। तुम चला रहे हो? जब भी ये चलाते ना मेरे को धक धक होने लग जाता है। तो मत बैठो, मैं अकेले चल रही। जाने मन, हमारे साथ गाड़ी में कॉन्फिडेंटली मैं ही बैठ सकता हूँ। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि तुम ना अपनी तमीज भूल चुकी हो, तुम्हें तुम्हारी तमीज सिखानी पड़ेगी मुझे। पहले खुद तो सिखाओ। खड्डा पड़ेगा कान के नीचे। आप कह सकते हो कि मेरे हाथ से निकल चुकी है ये।
कमेंट में बताना कितनों को ऐसा लगता है कि शिल्पा मेरे हाथ से निकल चुकी है। ये बोलो कि पहले कभी हाथ में आई थी। अगर हमने थार ले ली तो यहाँ से तो यूं ऐसे जुक करके निकल जानी चाहिए। नहीं देखने जाएंगे बट दिल तो यही कह रहा है थार और उसको मॉडिफाई। ओ बेटे गड्डाई मार दिया बे। सबसे पहले तो ये वाला रास्ता था नहीं जहाँ से तुम आई हो। नर्सरी हमने जाना ये वाले रास्ते से हम कभी नहीं गए। हम मोस्टली इसी रास्ते से जाते। हम इस रास्ते से नहीं जाते। हम इसी रास्ते से जाते। नहीं जाते इस रास्ते से। क्या दिक्कत कैमरा बंद करो। लड़ रहा है। मैं नहीं बंद करूंगा लोगों को पता चल रहा है। थोड़ी ज्यादा चिल्ला रही। आगे बहुत ही खतरनाक साइगे से एक्सीडेंट हो गया। पुलिस भी आ गई है। होपफुली एवरीथिंग इज वेल। बाइक के चित्रे दिख रहे हैं। बाइक गई है किसी की खतरनाक। यहाँ से एक्सीडेंट होने के कई रीजन है। लोग बाइक लेके सीधा ये डिवाइडर है यहाँ से क्रॉस करने की कोई जगह नहीं है। कोई मतलब सेंस भी नहीं बनता। लोग इस पे चढ़ा के क्रॉस करते हैं। प्रोबेबली ये भी रीजन हो सकता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या गुनगुना रही है। कहीं से भी यू टर्न मार देते हैं। आगे से लेफ्ट। आगे से लेफ्ट। आगे से लेफ्ट। जितना बोला ना उतना करो। यहाँ पर है ये वो नर्सरी और एलकेजी पीकेजी। मुक्का मारना मैंने खिंचा के। यू शट अप। यू शट अप। यू खाले गुम राइम्ड। एक तो तुमसे गाड़ी बननी होती है, है? गाड़ी नहीं बंद होती है ढंग से गाड़ी नहीं रुकती है। चाबी नहीं निकाली जाती। वापस ऑन कर रही है गाड़ी। आई लव यू बुबू। यू आर सो बुबू। यू आर क्यूट। यू आर लवली। यू आर सेक्सी बुबू। यू आर यू आर निकल बाहर। निकल मेरी गाड़ी है। बाहर निकल। निकल बाहर। रुक नई गाड़ी आन दे फिर बताता हूँ। वो भी मेरी होगी। निकल बाहर। तू निकल। तुमने मेरे को लिफ्ट में मुक्का क्यों मारा फॉर नो रीजन। जो काम करना है वो कर ले। सारे हमें देखने लग जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं। बुबू इन फूलों से ज्यादा तो खूबसूरत तुम लग रही हो। बट मुझे तो तुम्हें देख के अच्छा लगता है। फ्रेश ऑक्सीजन तो यही चाहिए। बुबू जंगल। और कल वीडियो भी जाएगी तो कल ट्यूसडे है ना। मतलब आज जो लोग देख रहे हैं। और ट्यूसडे को हिंदी में मंगल कहते हैं तो जंगल में मंगल। That was good. डिक्टेट करो कितना खर्चा करवाया और कहाँ कहाँ कितने फालतू खर्चे करवाए वो भी बताओ। मेरा फेवरेट तो तुमने ले लिया लेमन ग्रास। मच्छरों को भगाएगा आई गेस। बाकी मेरे किसी काम के नहीं है। पता नहीं क्यों ही लिया है। कौन जीता। अच्छा शिल्पा जीती फाइनली। गाड़ी तुस्सी धुलवाओगे। तुस्सी हल्क स्मैश। हल्क हल्क नंबर वन मेथड ऑफ बीइंग छपरी। अपनी बाइक का स्टॉक साइलेंसर हटा दो। कोई पाइप सी लगा दो। ओ बॉय क्या आवाज आएगी बॉय। चुप। ज्यादा नहीं हो रहा तेरे। मैं तेरे हडगोड़े तोड़ देने। मैं तेरे हडगोड़े तोड़ देनी। बता गर्लफ्रेंड का नाम क्या है तेरे। क्या गर्लफ्रेंड का नाम है बताओ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ओ हैप्पी होली। ओ हैप्पी होली। क्या से क्या हो गया। ओके गाइस इतना तो साफ हो गया है। थोड़ा बहुत मतलब निशान है। ये अभी साफ हो जाएगा। बाकी दीवार पे है निशान। I will click, मैं मुक्का मार दूंगा तेरे। दीवार पे अभी है निशान and इसको मैं कर दूंगा साफ because I don't want to get murdered. टीवी पे भी पानी वानी थोड़ा सा गिरा है तो मैंने इसको तो साफ कर दिया ऑलमोस्ट। तेरी वजह से हुआ है। होली है गाड़ी थी बाद में। ऑन करके देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी ऑन क्यों नहीं हो रहा। इट डिड ऑन। चुप रहे ये स्टार्टिंग में आता होगा। ये व्हाइट व्हाइट कह दे। मम्मी देखो क्या किया है। चुप देखो क्या किया है। अभी टीवी तो देखो एक बार। बताऊंगी हट। देखो टीवी पे क्या। अरे मम्मी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। पानी गिरा था टीवी। अरे नहीं चला, चल नहीं हुआ है कुछ।
मम्मी ये देखो पूरा वाइट हो गया है टीवी। मम्मी प्रैंक कर रहा हूँ, ये वॉलपेपर है, पहले एक बार किया था ना वॉलपेपर से प्रैंक आपके साथ, ये वही है, ये देखो ये लाइन है, लाइन है। नीचे क्यों आ रहा है ऐसे? वो यूट्यूब पे चलाया था, ये देखो कैसे हो रहा है, ये देखो। अरे ये पूरा का पूरा थीम है एलजी का। नहीं नहीं पानी, अरे मम्मी वॉलपेपर है, बोल रहा हूँ सच्ची। तो ठीक करके दिखा, रोहन की कसम ठीक करके दिखा। रोहन तेरे को प्रीक का नजर आ रहा ना, एडॉप्टेड है, ठीक करके दिखा इसे। ठीक कर दूंगा मैं, अभी बंद कर, ठीक कर। अरे बंद करके ऑन कर, थोड़ी देर बाद चलाएंगे इस पे, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चावल वावल घेरूंगा तो सूख लेगा। अभी टीवी देखनी है, धूप में सुखा दे। हाँ मैं वही, मम्मी धूप में सुखा देंगे, कल सुबह जब होगी ना तो धूप में सुखा देंगे, तुझे सुखा दूंगी मैं। रस्सी पे टांग दियो, ठीक करके दिखा मुझे। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है मतलब? सर क्या कुछ आ रहा है, चला के दिखा, चला के दिखा। अब ये वाइट वाइट क्यों हो रखा है ऐसे? चला दे आज, नहीं तो तू पिटेगा रोहित। लगता है मर गया। 50% प्रॉपर्टी अब मेरी। चलो इसकी लाश को ले जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके ना चील कौओं को खिला देंगे। देखना क्या बोल रहा है। बेलन मार दिया है और मेरे सर से खूनम खान हो गया, मैं मर गया हूँ। क्यों? एंड रोहन पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे, 50% प्रॉपर्टी, एंड तुम कह रही हो दूसरी शादी कर लूंगी। बहुत ही गंदा सपना था यार। नॉट बैड। साफ हो गया क्या रूम वाला? हाँ क्यों, कर तो दिया था। एक बार टीवी चेक करें। ये तो सर तुम्हारा सपना सच होता नजर आ रहा है। अरे यार ये वॉलपेपर तो नहीं है, तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे तुम लोग? तुम्हारा सपना सच होता नजर आ रहा है। अरे मम्मी ठीक हो जाएगा ये छोटा सा। ये ना रोहित तू आज ठीक करके दे, मुझे वो नागिन सीरियल छूट रहा है, वो देखना है मुझे। इसको देख लो, उसको देख लो, मुझे टीवी में देखने हैं, आप टीवी ठीक करके दे मुझे। यार ये तो सच्ची में ही खराब। रोहित इसको आज ठीक करके दे, तेरा मर्डर हो जाएगा नहीं तो। ओके गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, कमेंट जरूर करना। विद दैट सेड हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। मम्मी सही करा दूंगा, मम्मी गुस्सा मत करो, मम्मी सही करा दूंगा। अरे मम्मी प्लीज, मम्मी मत जाऊंगा।